Yeah.
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੀ ਗਿੱਧੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਆ ਮੇਰੀ ਲੜੀ।
बच्चों, आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आज़ादी के 76 साल कंप्लीट कर चुके हैं और 77वां में प्रवेश किए हैं। ये दिन बेटा हमें ये याद दिलाता है कि हम कोई भी परेशानी से ना डरे, है ना, बड़ी साहस से उसका सामना करें। जब अंग्रेजों के 200 वर्ष की गुलामी को हम आसानी से झेल सकते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ कुछ जो परेशानियां हैं उसको हम क्यों नहीं झेल सकते। आज आपको पता है कि ये दिन त्याग और बलिदान का संकेत होता है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सर्वस्व निछावर कर दिए थे इस दिन, इसलिए कि हम लोग इस आज़ादी के देश में खुली सांस ले सके। इसलिए नहीं कि हम लोग इस देश को
डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग समुदाय में बांट दे, कोई 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 हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। इस दिन के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ये हमारे देश को आज़ाद नहीं किए थे। और आप लोग को पता है कि जो आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी थे, वो ना ही हिंदू थे, ना ही मुस्लिम थे, ना ही सिख थे, ना ही ईसाई थे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या फ्रीडम फाइटर थे। इसीलिए हम लोग को ये हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए और इस दिन उन सभी को नमन करना चाहिए और याद करना चाहिए। और जहाँ तक कि आने वाले एनडीए का एग्ज़ाम है बेटा, है ना, एनडीए के एग्ज़ाम में आप लोग भी कुछ चीज़ों से अपने आप को स्वतंत्र करो, है ना। बहुत सारे बच्चों में ये रहता है कि हम आलस्य में बाय द वे सोए रहते हैं, हमें कोई अच्छा चीज़ मिल जाए तो हम उसको करना नहीं चाहते। बेटा ये याद रखिए कि अगर हम लोग देश को आज़ाद कर सकते हैं तो अपने आप जो शरीर के अंदर कुछ चीज़ें हैं उससे क्यों नहीं हमें आज़ादी मिल सकती। आराम से आज़ाद कर सकते हैं और हम भी एक सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और हमें नहीं पता था कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतने प्रतिभाओं से भरे हुए बच्चे हैं। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों का परफॉर्मेंस देख के। और ऐसे ही बेटा आप लोग, है ना, जिंदगी में भी आगे बढ़िए और जिंदगी में एक सफल इंसान बनिए ताकि आपको हमेशा ये देश याद रखे। जय हिंद बेटा, नमस्कार। जय हिंद एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो अभी टाइम कम है, सर ने भी बता दिया आप लोगों को, मैं भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम लोग अपना, है ना। तो देश से प्यार करते रहो और पढ़ाई करते रहो। एनडीए की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, आगे जाके तुम्हें इस देश को संभालना है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो। मैं गांव में एक कोट लिखा हुआ है, मतलब शेर लिखा हुआ है हमारे यहाँ, शहीद ऋषिपाल सिंह थे, वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे मेले हर बरस, वतन पर बिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। कैसे हैं आप लोग? फाइन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं या जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, मेरा नाम महेंद्र सिंह रावत है और मैं हॉस्टल इंचार्ज या हॉस्टल वार्डर जो भी बोले। तो आप सबको सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप अपने परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल बहुत होते हैं और हम लोग क्या है कि अपने फेस्टिवल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। बट जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो तीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसी में से ये एक है और ये सबसे मेन है, तो इसको हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए बट पूरे सम्मान के साथ। अगर आप फ्लैग होस्टिंग भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो या तो करें ना, अगर करते हैं तो प्लीज़ पूरे सम्मान के साथ, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो बनाए गए हैं उसको फॉलो कीजिए आप। बाकी अभी हमारा एग्जाम बहुत जल्दी है, हार्डली 2 हफ्ते बचे हैं। तो मेरा जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं यहाँ पे और जो नहीं भी आए हैं उनको विश यू ऑल द बेस्ट। अपना लास्ट मोमेंट तक आपने अपने मेहनत पर भरोसा करना है। आप रिजल्ट की मत सोचो, अगर आप आज हार्डवर्क कर रहे हैं आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेरे हाउसी में जो मेरे एनडीए के जो बच्चे हैं उनको मुझे बोलना पड़ता प्लीज सो जाइए आप, और नो डाउट वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस बार आई होप रिजल्ट डेल्टा का बम्पर बहुत अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो आई होप, मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है इस बार। तो प्लीज जो लोग अभी भी सोए हैं वो आप सोना बंद कर दो, खाने पर फोकस कम कर दो, ऑनलाइन फूड पर फोकस कम कर दो और अपने स्टडीज में फोकस कीजिए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे साथ आप लोग 3 बार भारत माँ की जय बोलेंगे खड़े होके। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू आवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, टू आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई स्वर्ण राठौर ऑफ क्लास 11 स्टैंडिंग हियर टू डिलीवर स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। Today, we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate our 676th Independence Day of our country. We need to ask those who born before 1947 to know the pangs of being anguished, being enslaved under colonial rule. For every Indian in those days was being a Herculean task to fight against those powerful giants, the British. Those difficult times and struggle must not be allowed to fade away from our memories.
Hence, every Independence Day, we not only celebrate our freedom, but we also pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. The idea of being an independent nation was sovereign power lies with us to determine our future, places a huge responsibility on our shoulders. The significance of its beauty is that this nation has gained respect from all over the world for a democratic route chosen by it. We can proudly say that India has invaded any country before its 10,000 years of its history. On this occasion, our thought turned first to Bhagat Singh, the man behind the struggle for the freedom and the merits, who made a supreme sacrifice for our country, liberty. We also remember the relentless and the struggle for our great patriots who liberated our motherland from the colonial rule. Democracy gives us the right to live freely as proud citizens of country. Today, we are fortunate to live in the world due to the vision and sacrifice of freedom fighters. This is a big celebration each year in the New Delhi at Rajpath, where the national anthem is sung after the Prime Minister hoists the national flag. Also, a salute is given by national flag by firing 21 rounds guns with the national anthem, and the flowers were all showered by the helicopter. All forces take part in the parades. In the end, we cannot merely say that 15 August is solely about the freedom. It is much more than that to the Indians. The Indian Independence Day comes with a plethora of the emotions. It reminds us the pain of being enslaved, of the strength in unity. It defines sacrifice and all of the things. It makes us the value and crushes the freedom we have today. At the last but not the least, I would like to say that as proud Indians of this country, it's our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of the country. Keeping the sacrifice of our ancestors in our mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland. Thank you and Jai Hind. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी